मैंने पार्ट ऑफ प्लांट ना पहले वीडियो में बता चुका था लेकिन मैं, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ ना तो आपको एक बार और बता दे रहा हूँ पार्ट ऑफ प्लांट अ प्लांट है सर्टेन पार्ट होते हैं विथ देयर स्पेसिफाइड फंक्शन और क्या क्या करते हैं कुछ स्पेसिफाइड फंक्शन करते हैं मतलब कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन करते हैं रूट स्टेम लीव फ्लावर तो ये सभी क्या है पार्ट है प्लांट के ठीक है जो क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं ओके द नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द रूट सिस्टम जो नॉन ग्रीन पार्ट है ना प्लांट का और जो क्या है अंडरग्राउंड है अंडरग्राउंड है मतलब प्लांट के ना नीचे जो है मतलब सॉरी के जो नीचे है ना उसको बोलते हैं रूट सिस्टम ओके द द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट अब ना प्लांट का अब द ग्राउंड मतलब कि ग्राउंड से ऊपर इट मीन अपना सॉइल भी बोल सकते हैं सॉइल अब दॉल और इसको बोल सकते हैं बिलो द सॉइल ठीक है ना जो ऊपर है ना उसको बोलते हैं सूट सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ स्टेम लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट जिसमें क्या क्या होते हैं सिस्टम में। सिस्टम में याद रखना है आपको सिस्टम में होते हैं आपके स्टेम लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स एंड रूट सिस्टम में आपके केवल रूट्स आते हैं ठीक है ना सॉइल के नीचे वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बिलो द सॉइल बिलो द सॉइल पार्ट इज नोन एज रूट सिस्टम ओके तो नेक्स्ट हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे ना रूट्स के बारे में रूट्स क्या होते हैं ठीक है तो समझिएगा रूट्स हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं एक्टिविटी टू इसका नाम क्या है टू शो डेट हम लोग इसमें शो करें हम लोग इसमें देखेंगे ना डेट रूट्स आर नेसेसरी रूट्स क्या है नेसेसरी है फॉर द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट प्लांट के ग्रोथ के लिए और उसके हेल्थ के लिए ठीक है ना तो देखते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा हमें इस एक्टिविटी करने के लिए तो टू पॉट्स विथ सॉइल दो पॉट चाहिए सॉइल सॉइल के साथ खुरपी फॉर डिगिंग खुरपी चाहिए उसको डिग करने के लिए अ पेयर ऑफ सीजर्स एक सीजर्स चाहिए ठीक है एंड वॉटर वॉटर चाहिए ठीक है ना तो मैथ करना क्या है इसमें तो करना है ऐसा है ना कुछ सेलेक्ट टू वीड्स सेलेक्ट टू वीड्स ऑफ सेम काइंड एंड साइज फ्रॉम एंड ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट मतलब ना कि दो वीट को सिलेक्ट करना है दो वीट को सिलेक्ट कर लिए और उसका क्या कहना है उसका सेम साइज हो सेम सेम मतलब जो सेम साइज का हो और एक ही एक ही तरह का प्लांट हो ठीक है ना और उसे क्या करना है उसको डिग दम आउट करना है ओके प्लांट वन ऑफ देम इन द दॉइल इन वन पोर्ट एंड मार्क इज मार्क इट एज ए और उसको जब वहां से निकाल लेंगे ना मतलब कि डिग दम आउट मतलब ना कि आप उस जगह से निकाल लीजिए और अब क्या करना है उसको तो पॉट में पुट करना है तो प्लांट ए को क्या करें सिंपल ऐसे प्लॉट में पॉट कर दीजिए और उसे मार्क दीजिए ए इसका नाम दे दीजिए ए ओके कट ऑफ कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अदर वीड्स और जो दू, दूसरा वीड है ना उसका क्या करना है रूट को क्या करना है कट कर देना है एंड प्लांट इट इन द सॉइल इन अनदर पॉट एंड मार्क इट बी और उसे क्या क्या करना है रूट को कट कर देना है ठीक है और उसे मार्क कर देना है बी और उसे पुट कर देना है अनदर पॉट में ठीक है वॉटर देम रेगुलरली और उसको क्या करना है दोनों को वॉटर देना है ठीक है ना ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या देखेंगे आफ्टर अ वीक एक वीक के बाद वी सी दैट हम देखते हैं ना द प्लांट इन पॉट ए जो पॉट ए का प्लांट है इज हेल्दी एंड ग्रोइंग वो बहुत ही हेल्दी है और क्या कर रहा है ग्रो कर रहा है ओके द प्लांट इन पॉट बी इज डाइंग जो प्ला, जो पॉट बी का जो प्लांट है ना क्या कर रहा है डाई मतलब कि वो मर चुका है ठीक है कंक्लूजन तो कंक्लूजन क्या निकला तो हम लोगों का एम था क्या हम लोगों का एम था कि शो करना कि रूट ना नेसेसरी होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए और उसके हेल्थ के लिए ठीक है ना मतलब प्लांट के ग्रोथ एंड हेल्थ के लिए क्या है रूट नेसेसरी है तो फिर वही कंक्लूजन में बताया गया कि रूट नेसेसरी रूट क्या है नेसेसरी है फॉर द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट मतलब प्लांट के ग्रोथ और हेल्थ के लिए रूट क्या होते, है? नेसेसरी होते हैं ठीक है ना देन एक्टिविटी थर्ड थर्ड क्या एक्टिविटी थर्ड है टू शो डेट हम देखेंगे ना इसमें याद देखेंगे द रूट एंकर द होल्ड रूट एंकर होल्ड द प्लांट ऑफ द सॉइल इट मीन कि जो प्लांट्स के जो रूट्स है ना वो होल्ड करके कर रखते हैं सॉइल को ठीक है ना तो पढ़ते हैं देखिए मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है सीड्स ऑफ ग्राम और मेज सीड्स लेना है ग्राम और मेज का कुछ दोनों में से किसी का भी ठीक है टू पॉट्स विथ सॉइल दो पॉट लेना है सॉइल के साथ और वाटर लेना है ठीक है मेथड सो अ फ्यू सीड्स ऑफ ग्राम और मेज इन ईच पोर्ट सो करना मतलब बोना है क्या फ्यू सीड्स कुछ सीड्स बोने हैं ग्राम और मेज के हर एक में, पोर्ट में पॉट में ठीक है इसमें सीड्स लेना है ना याद रखिए इसमें हम लोग ना जैसे पिछले बार हम लोग ने प्लांट लिया था इस बार प्लांट नहीं ले रहे हम लोग कह रहे हैं सीड्स ले रहे हैं ओके okay? स्प्रिंकल लिटिल वॉटर एवरी डे ऑन द सॉइल इन द पॉटर क्या है? Sprinkle करना है स्प्रिंकल करना है एवरी डे हम लोग को वॉटर आफ्टर अ वीक और सो एक वीक के बाद या उसके उसे ज्यादा द सीड जर्मिनेट सीड क्या हो जाएगा जर्मिनेट होना चालू हो जाएगा ओके नाउ पुल आउट अग क्या करना है एक, एक को ना पुल आउट करना हम लोग निकाल लेना है उटिंग हमें कोई भी ना फोर्स नहीं लगा होगा ना उस सीड को निकालने में यही बता रहा है लेट द अदर सीडिंग टू ग्रो फॉर अनादर वीक और जो दूसरा सीड है ना उसको क्या करना है अनदर वीक के लिए ना ग्रो करने के लिए छोड़ देना है ट्राई टू पुल अ सीडिंग अब क्या करना फिर से उस सीडिंग को पुल करना है वी नीड फोर्स टू पुल आउट द सीडिंग आउट ऑफ द Soil, मतलब ना कि अब हमें क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है उस क्या करने के लिए उस सीडिंग को आउट करने के लिए निकालने के लिए सॉइल से कंक्लूजन तो हम लोगों से दिखा रहा है बता रहा है डेट द रूट होल्ड द प्लांट जो रूट है ना क्या कहता है प्लांट जो प्लांट का जो रूट है ना उस सॉइल को क्या कहता है होल्ड करके रखता है फॉर्मली इन द सॉइल मतलब की सॉइल को अच्छी तरह से पकड़ करके रखता है जो प्लांट का जो रूट दैट इज वाई इसलिए क्या रहता है फोर्स लगता है टू पुल आउट दीडिंग आउट ऑफ द सोइल सोइल में से पुल आउट करने के लिए उस सीड्स को ठीक है ना सुन में आ गया देन नेक्स्ट एक्टिविटी फोर है तो हम लोगों ने अभी तक दो एक्टिविटी पढ़ लिया है फर्स्ट एक्टिविटी हमने देखा न की प्लांट की ग्रोथ और हेल्थ के लिए रूट नेसेसरी है थर्ड एक्टिविटी में देखा ना की जो प्लांट का जो रूट होता है ना वो क्या करता है सॉइल को होल्ड करके रखे रहता है थर्ड एक्टिविटी फोर्थ एक्टिविटी है टू ऑब्जर्व different types of roots of a broad leaf plant and of a long leaf plant to observe different types of roots hum kya karenge is wale activity na different types of roots ko na observe karenge of a broad leaf plant matlab ki us ek plant jiska leaf kya ho broad ho matlab ki chauda ho एंड of long leaf plant और उस प्लांट के बारे में सीखेंगे ना जिसका लीव क्या हो long हो लंबा हो ठीक तो है ना ठीक है तो देखते हैं मेथड क्या है मेथड पुल आउट और डिग आउट टू प्लांट हमें दो प्लांट निकालने हैं वन विथ ब्रॉड लिवस ब्रॉड लिवस और मिड रीब विथ ने जिसका न ब्रॉड लिव क्या होता है एक लीव होता है न जिसके उसमें न एक बीच में कैसा करके मिड रीप गया रहता है और उसके बाद ना बहुत सारे नेट विन्स निकले होते हैं तो ये होता है ब्रॉड लिवस ठीक है एंड अनदर विथ लॉन्ग लीव्स लॉन्ग लिव जिसमें क्या होते हैं हैविंग जिसके वेन्स होते हैं ना पेल होते हैं एक दूसरे के ऐसा कुछ ठीक है इच अदर इच अदर इन लेंथ ऑफ लीव रिमूव करना है जब निकालने के बाद कर क्या करना है सॉइल को ना रि वॉश कर देना मतलब कि धोना है ठीक है ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ द बोथ प्लांट और दोनों प्लांट के रूट को ना क्या करना ऑब्जर्व करना है देखना है ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या पाएंगे हम लोग देखेंगे ना ब्रॉड लीव प्लांट हैज अन रूट तो देखिये ना एक ना ब्रॉड लीव प्लांट है जिसका क्या है एक मेन रूट होता है देखिए दिख रहा है ना एक मेन रूट इसका एक मेन रूट होता है ठीक है एंड मैनी स्मॉलर रूट कमिंग आउट ऑफ इट और उसके बाद क्या होता है ना उसके ऊपर से ना बहुत सारे ना उसके आगे ना स्मॉलर रूट निकले हुए होते हैं ठीक है लॉन्ग लीव प्लांट हैज अ बंच ऑफ थीन फाइबर लाइक रूट जो लॉन्ग लीफ प्लांट होते हैं ना उसमें क्या होते हैं बंच ऑफ थिन फाइबर्स होते हैं मतलब कि देखिए इसमें क्या है? बहुत थिन फाइबर्स है ना थिन फाइबर्स लाइक रूट्स है तो यही होता है फाइबरस uh, रूट्स होता है ठीक है ना समझ में आ गया अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में ठीक है देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम तो टोटल ना टू टाइप्स ऑफ जो मेन है ना दो टाइप के रूट सिस्टम होते हैं इन द टैप रूट सिस्टम पहला होता है टैप रूट सिस्टम अ सिंगल रूट कॉल द प्राइमरी रूट इसमें ना एक सिंगल रूट होता है टैप रूट सिस्टम में एक सिंगल रूट होता है और इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट बोलते हैं ठीक है कम्स आउट फ्रॉम द सीड्स आफ्टर जर्मिनेशन जब जब सीड जर्मिनेट होता है ना तो क्या उसके बाद ये टैप रूट निकलता है जिसे हम लोग प्राइमरी रूट बोलते हैं लेटर स्मॉल रूट्स कॉल्ड लेटरल रूट्स ब्रांच आउट फ्रॉम द प्राइमरी रूट्स उसके बाद क्या होता है इस प्राइमरी रूट से ना बहुत सारे स्मॉल स्मॉल रूट्स निकलते हैं जर्मिनेट होते हैं ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल कैरोट रेडिस टर्निप बीट रूट पी ग्राम मैंगो नीम पाइन सीसम हैव टेप रूट्स इन सभी के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं टेप रूट्स होते हैं समझ में आ गया तो देखिए इसमें सिंपल है समझना है ना कि इसमें एक प्राइमरी रूट्स होता है उसके बाद क्या होता है लेटर इसमें बहुत सारे ब्रांचेस रूट्स के ब्रांचेस ग्रो हो जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं टैप रूट सिस्टम ओके और जो स्मॉलर रूट्स होते हैं ना जो निकलते हैं प्राइमरी रूट से उसे हम लोग लेटरल रूट्स भी बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट है फाइबरस रूट सिस्टम क्या होता है फाइबरस रूट सिस्टम इन द फाइबरस रूट सिस्टम थिन फाइबर लाइक रूट्स ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम तो जैसे ही उसके पास स्टेम होता है ना उससे क्या होते हैं बहुत सारे फाइबर लाइक ना रूट्स क्या होते हैं निकलने लगते हैं जो कि इक्वल इक्वल साइज के होते हैं ठीक है ना दे है बुशी अपियरेंस और कहता है बुश टाइप के रहते हैं बुश मतलब कि बहुत ही घुंघराए टाइप के रहते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्रास मेज व्हीट राइस अनियन एंड सुगर कैन हैव फाइबरस रूट और ये सबके रूट क्या होते हैं ये सब जो यहाँ पर बताए गए हैं ना ये सभी क्या होते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम को फॉलो करते हैं ठीक है तो हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ रूट्स में टू टाइप्स के रूट्स होते हैं फर्स्ट होता है टैप रूट सिस्टम और सेकंड होता है फाइबरस रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम में एक हमारा लॉन्ग रूट होता है जिसे हम लोग प्राइमरी रूट बोलते हैं आफ्टर सम टाइम क्या होता है उससे बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं रूट्स के जिसे हम लोग इलेट्रल रूट कहते हैं ठीक है सेकेंड होता है फाइब्रस रूट सिस्टम इसमें क्या होते हैं जो उसके स्टेम होते हैं ना बेस स्टेम उससे क्या होता है बहुत सारे फाइबर लाइक -like से रूट्स निकलते हैं जो कि इक्वल साइज के होते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम के एग्जाम्पल क्या क्या है कैरोट रेडिस टर्नी पी ठीक है और फाइब्रस रूट सिस्टम के एग्जाम्पल क्या क्या है वीट राइस सुगर कैन एटसेट्रा ओके नेक्स्ट बर्थ हम लोग फंक्शन ऑफ रूट्स के बारे में ठीक है सो फंक्शन ऑफ रूट में फर्स्ट है रूट एब्सॉर्व वॉटर एंड न्यूट्रिय फ्रॉम द सॉइल रूट क्या करते हैं एब्सॉर्व करते हैं वॉटर मिनरल्स न्यूट्रिय कहा से सॉइल से फर्स्ट है सेकेंड रूट्स एंकर द प्लांट टू द सॉइल एंकर मतलब होल्ड रूट क्या करते हैं जो प्लांट्स जो रूट होते हैं ना वो क्या करते हैं होल्ड करके कर रखते हैं सॉइल को ओके थर्ड रूट्स हेल्प टू बाइंड द दॉइल पार्टिकल्स जो रूट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं सॉइल पार्टिकल्स को बांध करके रखते हैं टुगेदर एंड सेव देम टू ब्लो ऑफ बाय स्ट्रांग विंड और अवे बाय द फ्लोइंग वाटर और क्या करते हैं? Soil रखते हैं जो सॉइल रहते हैं ना उसको होल्ड करके कर रखते हैं बाइंड करके कर रखते हैं जिससे कि यदि ना स्ट्रांग विंड भी आएगा ना तो क्या करेगा वो ब्लो ऑफ नहीं होगा प्लांट ब्लो ऑफ नहीं होगा और यदि बहुत तेज यदि बारिश आ रहा है या फ्लड आ रहा है ना तो उससे भी सॉइल क्या होगा फ्लो अवे नहीं होगा मतलब की सॉइल नहीं बहेगा ठीक है ना देन नेक्स्ट है मॉडिफाइड रूट्स मॉडिफाइड रूट्स क्या है इन सम प्लांट्स रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन तो क्या होता है कुछ प्लांट्स में ना जो रूट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं मॉडिफाई होते हैं और कुछ अलग एडिशनल फंक्शन करते हैं कुछ अलग टाइप के फंक्शनल परफॉर्म करते हैं सच एज न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन एंड सपोर्ट्स वो क्या करते हैं न्यूट्रिशन करते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं ठीक है फर्स्ट मॉडिफाइड रूट सच एज पोटेटो स्वीट पोटेटो कैरोट रेडीज है प्लांट यूज दिस फूड व्हेन नीडेड तो देखिए तो सबसे पहले मैं मतलब बता दू सोलोड रूट का मतलब क्या होता है सोलोन रूट का मतलब फूले हुए होते हैं ये कुछ तरीके से मतलब कुछ फुले हुए होते हैं जैसे कि आपने एग्जांपल देखा है ना पोटेटो स्वीट पोटेटो कैरो हुए होते हैं ठीक है ना क्योंकि इनमें क्या रहता है फूड ना स्टोर रहता है ठीक है ना सेकंड है मॉडिफाइड रूट्स कैन रिप्रोड्यूस प्लांट यूजिंग द स्टोर फूड फॉर द प्लांट बेबीज आप बस इतना समझिए ना कि मॉडिफाइड रूट क्या होते हैं रिप्रोड्यूस प्लांट होते हैं ओके ठीक है देन इन बनियन ट्री रोप लाइक रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन ब्रांच जो बने ट्री होते है ना उससे क्या होते हैं रोप लाइक रूट क्या होते हैं ग्रो होते हैं मेन ब्रांच से जो उसका मेन ब्रांच एक होता है उससे क्या होते हैं ग्रो लाइक रूट्स रोप लाइक ना रूट क्या होते हैं ग्रो होते हैं ठीक है दीज रूट्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड जो ये जो रूट्स होते हैं ना क्या कहते हैं ग्राउंड तक रीच करते हैं पहुंचते हैं पेनिट्रेट इन टू इट और क्या कहते हैं उसके अंदर पेनीट्रेट करते हैं ग्राउंड को पेनीट्रेट करते हैं एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द देवी ब्रांच और जो मेन ब्रांच है ना उसका ब्रांच उसको क्या कहते हैं सपोर्ट करके रखते हैं कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको बनी एंट्री उसका जो मेन ब्रांच होता है ना उससे क्या कहते हैं रूट रोप लाइक जो रूट होते हैं ना वो ग्रो करते हैं और क्या कहते हैं ग्राउंड को पेनीट्रेट करते हैं और ना उसको ना जो मेन ब्रांच है ना उसको ना सपोर्ट देने का काम करते हैं ठीक है थीके? दिज रूट आर कॉल्ड प्रॉप रूट और इसी को बोला जाता है प्रॉप रूट तो समझ में आ गया ना प्रॉप रूट किसे कहते हैं तो कोई पूछेगा ना कि प्रॉप रूट क्या है तो आप बोल सकते हैं ना कि प्रॉप रूट्स आर रोप लाइक रूट ग्रो फ्रॉम द मेन ब्रांच ऑफ ऑफ ट्री एंड दिज रूट्स आर रीचिंग ऑन द ग्राउंड एंड पेनिट्रेट इन टू इट एंड प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू हेवी ब्रांच दिस इज कॉल्ड दिस रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स ओके देन नेक्स्ट है प्लांट लाइक सुगर केन मेज बेंब लॉन्ग थीन स्टेम तो प्लांट जैसे बेम्बू हो गया, गया, गया उनमें क्या होते हैं लॉन्ग थीन स्टेम होते हैं ठीक है ना टू रिमेन स्टैंडिंग इेक्ट सम रूट ग्रो फ्रॉम देअर स्टेम और उनको यदि खड़ा सीधा खड़ा रहना है ना तो उसके लिए क्या करते हैं कुछ अलग क्या करते हैं वो रूट्स को ना ग्रो करते हैं अपने स्टेम से एंड गिव देम एडिशनल सपोर्ट जो कि क्या करता है उनको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है दीज रूट आर कॉल्ड स्टील्ड रूट इस रूट को क्या बोलते हैं स्टील रूट बोलते हैं ठीक है ना तो समझ में आ गया ना प्रॉप रूट और स्टील्ड रूट में क्या डिफरेंस होता है ठीक है तो देखिए आप ना कुछ कुछ एग्जाम्पल इसका बोल सकते हैं पहला एग्जाम्पल बोल सकते हैं ना कि प्रॉप रूट में कि प्रॉप रूट जो होते हैं ना उनका लॉन्ग थिक स्टेम होता है मतलब कि लॉन्ग थिक ब्रांच होता है एंड जो स्टिल रूट होते हैं ना उनका लॉन्ग थीन स्टेम होता है ठीक है इसका सेकेंड इसमें आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि इसका एग्जाम्पल है बनियन ट्री एंड इसका एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल है सुगर केन मेज बैम्बू थर्ड आप बोल सकते हैं ना कि जो प्रॉप रूट्स है ना प्रॉप रूट्स में ना जो जो इसका मेन ब्रांच होता है ना उससे एडिशनल उससे एडिशनल क्या निकलता है रोप लाइक रूट्स निकलता है जो कि क्या करता है ग्राउंड को पेनिट्रेट करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है हैवी ब्रांच को और इसमें क्या कहते हैं इसमें जो स्टेम रहते हैं ना उससे क्या निकलता है सम सम रूट्स निकलते हैं नीचे में क्या निकलते हैं सम रूट्स निकलते हैं और क्या करते हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड uh, करते हैं स्टेम को ठीक है ना uh, यही कि इसका क्या है है डिफरेंस है आप दे सकते हैं ठीक है तो यहाँ हमारा ना पार्ट टू ओवर होता है ना नेक्स्ट वीडियो में ना हम इसके पार्ट थ्री को करेंगे जहां पर हम लोग ना इस टाइम के बारे में पढ़ेंगे तो यदि आप लोगों को कुछ भी डाउट हुआ होगा ना इस चैप्टर में मेरे पढ़ाने में तो आप मुझे पूछ सकते हैं ना मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा ठीक है आ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू